होते हैं, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, सब चलते रहता था। और हजरत क्या लिखे, किताब लिखे, आईन इज़्ज़ुल्लाह लिखे, उसमें कायदा कानून ने मदद से लिखा। इस तरह के तमाम कुर्सी लिखा मौजूद को टॉपिक्स को अहाता करते थे। आज कुर्सी आज के दिन खुसूसन जो आज हमारी 24 रजब सबकी फातिहा और फरवरी की 5 तारीख दिन क्या है भाई, बीच में और एक साहब और एक अच्छी अपील करे, बोले जिसका उर्स है उनकी बात करो, बेटे की, दादा की, पोतरे की, तो उनकी बात बहुत पसंद आई। चूंकि आप सोने की दुकान पे जाके हरी मिर्ची को इतनी मंगा रही है दीवाने के भगा हुए थे, कोई भी जो दुकान है वहां मिलने वाली चीज मंगो। जो मदरसा, जो कॉलेज जिस मजमून का है वो कॉलेज में वो मजमून पढ़ाया जाता है। कानून के कॉलेज होंगे तो कानून पढ़ाते, मेडिकल कॉलेज होंगे तो डॉक्टरी पढ़ाते, लैंग्वेजेस में गए तो लैंग्वेज पढ़ाते, एक जगह एक कॉलेज में जाके दूसरी बात करेंगे तो बल्कि कुंसा मौसम चल रहा गर्मा तो बहुत नहीं हो गया ना पूछते थे। ऐसा ही ये जो कॉलेज है, ये जो मदरसा है, ये जो दरसगाह है, उसकी बात करो, उसकी बात क्यों करते। इससे रिलेटेड एक बात है जो शुरू में आ गई, दुकान कौन अच्छा चलाया हो उसके हाथ दुकान बिजनेस नहीं अच्छा करता, कौन अच्छा पढ़ा रहा टीचर उसको अपनी क्लास में छोड़ देता, चुप छोड़ के जाता, दीवाना है, कहीं कुछ होता हूँ नहीं, उस जिम्मेदारी कैसी निभा रहा देखना चाहता, जिम्मेदारी कैसा निभाता है देखना चाहता है। बजाहिर उसको जिम्मेदारी दी जा रही है लेकिन उसका इम्तिहान लिया जा रहा। अल्लाह वाले, अल्लाह वालों का जो गुरु है उनका फायदा पानी लिखी, वो लिख के बड़े बड़े उलमा के सामने लेके गए, इसमें जामे निजामिया के उलमा जो हजरत किबला के हमजमात थे उसमें मौलाना रहीमुद्दीन मुफ्ती रहीमुद्दीन साहब उनकी राय भी है, और जरा उनसे जूनियर मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब की राय भी है, और दूसरे उलमा भी है, हिंदुस्तान की अक्सर खानखाहों के लोगों की राय है, सुल्तान मशाह निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह तआला अलैह के उस वक्त के जो सज्जादगान के, एक सज्जादा नहीं है वहाँ कई है, उनमें से ख्वाजा हसन निजामी साहब, हसन सानी नहीं, अभी कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, उनके वालिद थे, मुसव्विर फितरत बोलते थे उनकी राय, ये हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के किस्से। अजमेर शरीफ के दीवान थे आले रसूल अली खान साहब,
जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए। उनकी राय और उनकी दुआ या कलिमात भी है। और शुमाली हिंद के बहुत से खानखानों के लोगों की राय है। ये तसव्वुफ का मदरसे का दस्तूर है, फायदा है, सबकी राय थी उस पर। हजरत की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी इस किताब को छपाना। अरे कौन तो पहले छोटा छोटा तो बोलना ही बोलना है, छोटे को छोटा बोलना ही बोला तो कैसा होगा। सब बड़े बड़े थे, बड़े साहब थे, मंजे साहब थे, इन्हों थे, उन्हों थे। हजरत किताब जो है छपाओ बोल के बोलते थे। पहले किताबत चलती थी, कुछ किताबत भी हुई उसे, एक बार दो बार तीन बार किताबत हुई, लेकिन वो नामुकम्मल रही। उसके वजूहात पे मैं नहीं जाता। होते होते उनका दौर गया, हमारा दौर आ गया। अब ये भी समझो आदमी कमजोर हुआ तो परेशानी नहीं होती, बेवकूफ रहा तो परेशानी नहीं। कमजोर रहा तो स्कूल पुकार के मदद ले लेता, डुगरों निकालो बोल के पुकारता, रास्ता पार करो ट्रैफिक बहुत है बोलता। तो कमजोरी का एहसास आदमी को शिकस्त नहीं देता। खैर वो किताब में रख ले के हिंदुस्तान से बाहर चले गया, पाकिस्तान गया। 1989 में वो किताब वहाँ लिखवाया, वहाँ से छपा दिया। एक 100 किताबें भी अपने साथ में लाए। वो किताबों में यहाँ तो चटनी हो गया, सब चटनी समझ के ले लिए लोग। इस किताब को देने के काबिल नहीं थी, कौन थे तुम ये तो सीनियर आते उठा लिए। जो सीनियरों में से एक साहब ले गए, सिर पर मार लेने लगे, कहीं को लिख के लाइए किताब, कहीं को छपाइए। बोला क्या हो? नहीं उसमें ऐसा लिखा हुआ है, वैसा लिखा हुआ है। मेरे को ला के बोलो तुम खलीफा है ना, ये समझाओ ये क्या है। बोलो समझा। बोले नहीं हम देखते नहीं तो हम कैसा समझाना। एतराज करने वाले ऐसे काबिल लोग थे। खैर किताब तो छपी, किताब बटी। अब मेरे पास भी एक आध नमूना भी ढूंढे तो मुश्किल से निकल रहा, अगर निकाल पाऊँ लेता। और चंद चीजें थे, ये तो जिंदगी भर का इहाता था इसके अंदर। दूसरा, हर मुरीद को जो मदरसे में आता था, सुबह फजर से लेकर रात तक और रात से लेकर फजर तक हर घंटे में एक मुरीद को क्या करना चाहिए, 24 घंटे के 24 खाने, उन खानों में हर चीज लिखी है। नौ बजे सोना, दो बजे उठना, ये तहज्जुद पढ़े वो पढ़े ये करे फजर पढ़े फिर ऐसा। अब हमारी दुनिया इधर चली, यूनिवर्सिटी में गए, वहां गए, यहाँ मैं उसके पीछे पड़ गया कि भाई 9 बजे क्यों सोना। किताब में लिखो, मेरी किताब दूसरी है, उसका नाम है तंजीम टाइम मैनेजमेंट। उसमें लिखा कि क्योंकि उनमें घर का फर्द होने से, औलाद होने से कोई ऐसी हरकत उनकी देखा ही नहीं, तो खिलाफ चलिए तो
नहीं देखा तो ये कह के वास्ते लगा है 9 बजे सोना, 2 बजे उठना, 2:30 बजे उठा तो 3 बजे उठा तो एक से दिवसा में मुरीद में रहते थे, लोग में रहते थे, सवाल करते थे भी हमारे को। खैर उन सब चीजों के जवाब लिखा, 24 घंटे की वो किताब छाप दिया। 24 घंटे के हर हर घंटे पे पहली दलील कुराने मजीद से दिया, दूसरी दलील हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस से उसकी तायीद की, वेल किया वो किताब मुकम्मल कर दिया। यहाँ पे नहीं है कलम के कोई, समीउद्दीन साहब के कोई नहीं है, समीउद्दीन साहब मेरे को बोले वो किताब पढ़ के कि मैं 60 साल में रिटायर होने के बाद मैं इसको हिंदी कर देता हूँ और इस पर अमल करता हूँ। तो मैं बोला उसमें रिलैक्सेशन ऑफ एज है, उसमें लिखा हुआ कि इस पर अमल 35 साल के अंदर अंदर करना। पैंतीस साल के अंदर अंदर करना, अगर हिम्मत है सेहत है तो 60 साल के बाद भी जाओ। खैर उनसे हिंदी कर दिए, पढ़ने में उर्दू लिखने में हिंदी, और कलम में उनकी एक मस्जिद है वो गोदावरी के ऐसा गोदावरी उनकी मस्जिद की दीवार खेत की रहती है। कौन सी एक गोदावरी है ऐसा माजरा इधर से भी जाती कोई होंगी, मैं जाके देखा एक कागज पे तस्वीर खाने हैं ये वो नक्शा बना के दिया। उस वक्त 1.5-1.5 लाख रुपये खर्चे करके बनाए, उसमें बैठे अपना थोड़ा जाना देखना, वो 24 आवर्स भी लिख के दिया, छपाया नहीं था जब तक बाद में छपाया था, नहीं छपा दिया था, 24 आवर्स का चार्ट नहीं छपाया था, चार्ट कभी भी छपाया मगर कंप्यूटराइज करके रखा नहीं। वो एक काम कर दिया, दूसरा सुबह में तवज्जो में बैठना तो क्या करना, शाम में बैठे तो क्या करना, तो उसकी एक किताब लिख दिया। ये किताब कई के वास्ते वो जो मदरसे सूफिया है उसके रूल्स रेगुलेशन उनको लिख दिए थे, लेकिन हमको मालूम है हम अगर किसी को बताए बगैर दुनिया से चले गए, मिलने का मौका भी नहीं मिला, तो आने वाला उसको देख के समझ जाना, सब समझा दिया। सबसे बड़ी परेशानी आईने हिजबुल्ला छपाने के बाद जो थी उसमें 2-3 जुमले मैं सोचा नहीं था इसकी बात करता, वरना आईने हिजबुल्ला साथ नहीं लाता था मैं, उसमें लिखा हुआ है लोगों को मुखातिब है कह रहे हैं आपने जिंदगी में बड़ी बड़ी अंजुमनों सोसाइटियों में बहुत लुत्फ और राहतें लज्जतें उठाई हैं, यहाँ इस मदरसे सूफिया को तशरीफ लाए, थोड़ा सा वक्त निकाले, इसका इंतजाम देखे, इसको एड्रेस कर रही जो एड्रेस कर रही
उसमें शाहान कुर्सतवत शुरू है, शान और शौकत वाले बादशाहों से आके देखो, आके देखो जर्नेला ने कुर्फन फौज के माहिर सिपाहियों, इधर आओ आके देखो, रियाजी दाना ने माहिर आके देखिए, साइंसदानों को इनको उनको लीडरों को सबको ड्रेस करे, आके मेरा मदरसा आके देखो, मैं यहाँ कैसा इंतजाम कर रहा हूँ, एक छोटी सी खानकाह, एक छोटा मेहमान खाना है, छोटे तस्वीर खाने हैं जेर जमीन, वो लिखे जब था मैं तो तस्वीर खाने देखे नहीं, किताब को छपा दिया, कोई भी आके मेरे को पूछा कहाँ है बताओ तो कहाँ रहता, लिहाजा सबसे पहले तस्वीर खाने बनाया जमीन के अंदर खोद के, उसके बाद में मेहनत मशक्कत करके तस्वीर खाने बनाए, बल्कि लिखे कहा तस्वीर खाने नहीं, तस्वीर खाने बनाने का फायदा भी लिखे उसमें, ये तस्वीर खाना ऐसा होना चाहिए कि मस्जिद में मोतकिफ अपने हुजरे में बैठकर बाजमात नमाज अदा कर सके, यानी अब ये सब है मस्जिद खत्म हो रही, ये तस्वीर खाना है तो उन्हें सब में नमाज पढ़ना, ये तस्वीर खाना है उन्हें भी सब में रहना, सब नहीं टूटना, ऐसा तस्वीर खाना होना। मुझे होश आया, होश क्या आया इस बारे में फिक्र हुई, मस्जिद बना लिया, तस्वीर खाना बना लिया, सब के खत्म पे इधर है किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, किताब तो छाप दिए थे, अरे भाई पूरी दुनिया बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी दुनिया से कोई एक दीवाना उठ के आ गया तो आप उसकी क्या खिदमत करेंगे, मैंने तो देख के हमारे पर अफसोस करके थूक के चले जाएगा, क्या औलाद नहीं थी, बाप इतना लिख दिया बेटे क्या कर रहे, झाड़ू नहीं दिए, इस वास्ते मेरे पास जरूरत है जिक्र करने का, खैर बना दिए, आज आज के दिन की खास बात, खुसूसन 5 फरवरी को पकड़ के बोलूं मैं, मस्जिद की तामीर हुई, मजदूरों काम करे, कोई भी जो भी सुनता था मैं, पहले जब मस्जिद बनी थी तो हर मजदूर वजू से काम करता था, ऐसा होता था, बोली बनी तो ऐसा हुआ हुआ हुआ, जितने मजदूर काम करे सब वजू से काम करे, ये मस्जिद में मौजूदा मस्जिद में सब के पैसे 8 दिन में एक बार मजदूरी तय होती थी, मिस्त्री मेन मिस्त्री था वो 8 दिन में एक दे देता था, हम एक साहब को मुंतजिम बना के रखे थे, जो हमारे हजरत फिल्ला के जो घर था घर के बाजू का पड़ोसी थे उनका बच्चा, और बच्चा बूढ़ा हो गया मेरे से 5 साल का 4 साल का बड़ा है, उनके जिम्मे इंतजाम दे दिए, पैसे उनके हाथ से तकसीम कर दिए, सबके नाम लिखो पैसे दिए, मटेरियल आ रहा क्या आ रहा कैसा आ रहा लिखना करना, वो बच्चा हमारा 24 घंटे देख, मैं मजदूरों की मजदूरी दे दिया, मटेरियल के पैसे दे दिया,
लेकिन मस्जिद के ऊपर का जो मंजिल बन रही थी उस वक्त एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। एक टिप्पर गाड़ी रेती की 10,000 रुपए में थी और 40,000 रुपए, हमको 5 गाड़ियों की जरूरत थी, किस काम के लिए पैसा बचेगा। मुख्तसर यह हुआ कि मैं उन लोगों से वादा किया था, वो जो मिस्त्री थे उनको और ये मुंतजिम, भाई मैं सबके पैसे दे रहा हूँ, आप लोगों के कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं आपके लिए एक तोहफा देता हूँ, उम्र को भेजा देता हूँ। 10,000 के लिए की 40,000 में खरीदेगा कौन से उम्र को भेजता, जब उम्र 40-45 हजार में हो जाता था, 50,000 में तो जबरदस्त। कोरोना जिस दिन शुरू हुआ, अब 2-3 दिन के बाद है, ऐसी उरुस था, तो मैं कोरोना खत्म होने से पहले आ गया, 2 दिन के बाद शबे मेराज आई कोरोना का, मैंने वो जनता कर्फ्यू बोल के शुरू किया, वहां से काम बंद हो गए, मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, काम बंद हो गए, उनको उमरे को भेजाना बच गया। लेकिन आज 24 रजब को, 5 फरवरी को, हम तो सोचे नहीं थे, मगर वो दोनों को आज उनकी फ्लाइट हो गई, उमरे को चले गए। क्या बात है। अच्छा, कई दिन से हम सोच रहे थे भेजना, लेकिन उनकी पसोपेश हुई, ये हुआ वो हुआ, उमरे को वो लोग आज सुबह चले गए हैदराबाद से 10:30 बजे सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट से चले गए। अब ये वाकया जो मैं लोगों को रवाना किया, इस वाकये को मुझे ऐसी खुशी है, ईद के दिन जैसी खुशी होती वैसी खुशी आज महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मस्जिद जबीरुल्लाह शाह साहब की है, मदरसे सूफिया जबीरुल्लाह शाह साहब का है, काम करने वाले वहाँ के लोग हैं, हम भी करें। आज उनमें 2 आदमी जिनकी उजरत बाकी थी, आज भी हो, वो भी उसके बाद 3 ऐसा तय हुआ, खुदा कुदरत से, वो कुदरतन हो गया। तो ये किस्से कहानियां नहीं है, ये आपकी आप बीती है। आखिरी कितने पापड़ बेले, क्या मुसीबत उठाए, बयान करे तो इतनी मोटी किताब, 3 छोटे मुकदमे में फेस करते करते रहा। जब बीमार हो गया, पैसा भी खत्म हो गया, एक भतीजा है 5-6 साल से बोल रहा था चाचा बनाओ, मैं पैसे दे उसको बुला के, बोला बनाओ मैं आऊँ, और एक चीचा को ला लिया, बोला तुम दोनों मिलकर बनाओ, मैं तो हर के बनाना मेरे में नहीं, पैसे भी नहीं, पर क्या कर लिए, करा लिए, बना लिए। लेकिन मैं इसको सुनर शरीफ में जैसा तुम साहब बार बार बोलते थे, साहेब हमारे पास ईंट में गुंबद बनाने वाले मौजूद, उससे बनाएंगे, और कुंदर शरीफ की गुंबद में ईंटों से बनवाया, मैं उसी से बनवाना चाहता था, इसमें ये गुंबद आपको
मौजूदा इससे 8 से 10 लाख में बन जाती थी। लेकिन अब क्या क्या की करे, आप लोगों से भी उसका इसमें हिस्सा रहा होगा, लेकिन मैं ये बात की है, हमसे जितना हुआ करना, जब थक जाए तो लोगों को मधु करना, लेकिन पहले दिन से मधु कर लिए जाने दो, कर लिए काम करो। सरकार बस यही था कि हर आदमी मरने से पहले देखना चाहता है कि सरकार के सर पे गुमद हो। हाँ नहीं नहीं, हो गए थी ना, बहुत बड़ा, हम तो तैयार थे, हम कर ही रहे थे। खैर मैं तो जिम्मा तकवीन कर दिया ना, तुम बनाओ भाई गुलाम है, ठीक है। काम तो एक काम ये भी मुकम्मल हो गया, ये काम भी मुकम्मल हुआ, वहाँ के मजदूर भी आज मेरे को चले गए, जुमा के दिन उन लोगों की गुलपोशी किया, मैं मस्जिद में बोला आप लोग अल्लाह के घर को यानी मस्जिद को आपने बनाया, आप लोगों को अल्लाह अपने घर पे बुलाता है, अल्लाह का घर देखने चले जाओ, रसूलुल्लाह का घर देखने चले जाओ, कब्र अथर की जियारत कर लो, ये फूल है पहना दिया। तो इत्तेफाक से इतनी चीजें इतनी खूबियां आज जमा हो गई। अब वो बोले तो बहुत मुकम्मल हो गई बात। मजदूरी दे दो बस, बैठ जाओ जरा। आज रंग है जी मां तेरे दरबार में, आज रंग है, आज वाकई रंग है। आप जैसा बोले उम्रे को भी गया, गुम्मद भी बन गई, आज जश्न भी हो गया सरकार के दरबार में, आज रंग है। ईद के दिन जैसा खुश होता आदमी, मेरे को ऐसी खुशी है आज। और एक आखिरी पॉइंट की बात है, हमारे शरीफुल्लाह साहब बैठे हुए थे, वो कुछ अमामा बांधने के लिए बोल रहे थे, मैं इनकार किया, चूंकि एक हमारे पास दकन में बल्कि हिंदुस्तान में आज एक ऐसा रिवाज पड़ गया है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मैं नहीं टिकता, एक एक वक्त में सड़क पर ठहर के लोग रोटी भी नहीं बांटते, उससे ज्यादा खिलाफत में बांट रहे, उससे मेरे को करा के ना, आपके पास तरबियत का निजाम है तो फिर उनसे कुछ एग्जाम कर लो, कुछ टेस्ट तो करो, कुछ भी नहीं है, खिलाफत 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 कितने कितने दे रहे हैं। एक साहब थे जो ऐसा बांटते रहते थे, एक हकीम साहब के पास आए, मेरे दोस्त हकीम इंतकाल हो गया, उनके पास कुछ लोग दवा लेने आए, उन्होंने खिलाफतनामा निकाल के सिंह मार के वो पेशेंट को दिया। बाजू एक आदमी बैठा था हर लोग के कान में, बोला उन्हें दवा लेने आया, हिंदू है वो। इत्तेफाक से ऐसे वक्त हम ही पहुंचना, अब क्या करेंगे, लिहाजा मेरे को इन चीजों से बहुत खराब हो गया मेरे वास्ते, मेरे को मेरे बच्चियां कैसे प्रोफेसर हैं, कैसे अभी कैसे बाबा पूरी कैसे नहीं करते, बाबा कैसे नहीं देते। मैं बोला माँ मेरे को मालूम क्या करना क्या नहीं करना, फैलाते कहीं को नहीं फैलाते, फैला रहे हम कोशिश नहीं कर रहे था,
मस्जिद कई को बनाए, तस्वीरखाने कई को बनाए, किताबा कई को छापे, लोगों तक क्यों पहुंचाए, कोई तो मकसद होगा ना, क्या वही हो जाएगा? गुफ्तगू पाकिस्तान के सूफी अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बहुत बड़े अच्छे मुरीदों में से, तो सरसरी जिक्र मजा नहीं आएगा, उनकी मुरीदी का जिक्र कर दे। सूफी अब्दुल कादिर साहब जब पैदा हुए तो यतीम पैदा हुए, उनके वालिद के इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले, माँ बिचारी कैसा पाली उसको मालूम, वाड़ोने के रहने वाले थे, वहां वाड़ोने में एक मस्जिद है, मस्जिद के सहन में एक मजार, कोई बुजुर्ग हैं गालिबन शहीद होंगे, तो सूफी अब्दुल कादिर साहब वो मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। सूफी मखदूम साहब भी वहीं कहीं रहते थे, ओढ़ने वाले बोलते थे लोग, लेकिन और भी कोई रंजनी ऐसा ऐसे नाम हुए थे। सूफी अब्दुल कादिर साहब की इनकी मुलाकात थी, और से सुनो सूफी साहब की मुरीदी भी सुनो, दूसरा भी सुनो। सूफी मखदूम साहब से पूछे सूफी अब्दुल कादिर साहब, मैं मुरीद होना चाहता हूँ, मेरे को पीरे काबिल चाहिए, मैं क्या करूँ? तो सूरह इन्ना अंज़लना रोजाना 1000 बार पढ़ो, अल्लाह ताला तुमको ख्वाब में हिदायत दे। सूफी अब्दुल कादिर साहब यंग थे और उसी मस्जिद में रात में पढ़ना शुरू कर दिया, इन्ना अंज़लना 1000 बार पढ़, इशा की नमाज पढ़ते ही बैठ जाते तो उनकी अम्मा परेशान, यतीम बच्चे को तनहा कैसे छोड़ती, जंगल के जैसे आबादियां, वो मस्जिद के बाहर जाके एक हाथ में लकड़ी पकड़ लेके बैठ जाते थे, उनके बयान के मुताबिक रात में वजीफा पड़े तक बैठते थे। अब्दुल कादिर साहब बोलते थे अम्मा हमारे लिए फिक्र करते थे कि बच्चा मेरा डर जाएगा रात में, होते 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 40 दिन पड़े, एक दिन ख्वाब देखे कि मस्जिद के सहन में जो बुजुर्ग का मजार है वो बुजुर्ग के ख्वाब है, आके जबीउल्लाह शाह साहब को बता दिए, नाम नहीं, ये है तुम्हारा कामिलपुर जिसको बोल रहे, यह है इसके पास मुरीद हो जाओ। बखौल सूफी अब्दुल कादिर साहब के नींद हुशार हुई, खुशी से उठे, अल्लाह हमें नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, कांडू लो, फिर पढ़ना शुरू किया। फिर 40 दिन गुजर गए, उसके बाद में फिर 40वें दिन फिर ख्वाब हुआ, वही बुजुर्ग जो बताया कि फिर आए हूँ, बोले इनका नाम सईद इस्माइल ज़बीउल्लाह और ये हैदराबाद में रहते हैं,
होशियार हो गए, नींद से बेदार हो गए, बहुत खुश हुए, नाम पता मालूम हो गया। अब सूफी मखदूम साहब आएंगे हैदराबाद तो मेरे को नहीं मालूम, इन्हें कौन है नहीं मालूम, आए तो बोले ऐसा ऐसा उन्हें खुशी से मिले रहे चल मैं लेके चलता हूँ। देख मगर चले तो मुरीद नहीं करते, आदरिया में मुरीद हुए तो दो रोजा रहना, तो मुरीद होना चाह रहा तो चल रहे शहरी कर लिए ट्रेन में सुबह सुबह हैदराबाद को ट्रेन आ गई, हमारे घर को आए। सुबह हम लोग अपने खजान पढ़ते थे, ये हमारे से पहले से जारी था, मतलब हर रोज पढ़ते थे सुबह सुबह। मखदूम साहब अब्दुल खादर साहब दोनों हमारे घर को आए अपने खजान चुका रहे। जाके मखदूम साहब मिले, अब्दुल खादर साहब बोले मेरे को देख के बोले अरे इसको किसको पकड़ के लाया रे, इन्हें कहीं को है? बोले तो थर थर मेरे को कप कप ही पड़ गई, उतने में दस्तर बिछाए, दस्तर बिछा के बोले मखदूम तो खा ले इन्हें गोजा है, इसको यहाँ से निकाल लिया सामने से। तो बोले हैबत से मेरी जान निकल गई, मैं शहरी ट्रेन में कर रहा हूँ, अब यहाँ के मेरे सामने से बात हो रही, निकाल इसको। बोले फौरी हर बाहर कर दिए उन्होंने, अंदर मखदूम साहब खाना खा लिए, छोड़ दे क्या चीज को छोड़ दे क्या उसको यहाँ ले क्या है, ये गुम्बद नहीं बनी थी कुबला की, यहाँ एक मोगरे के फूल का मंडवा था, यहाँ लाके छोड़ दी। आज भी आपको वजू का पानी ऊपर नहीं मिलता, बेफिक्र रहो, पीने का तो और भी दूर की बात है ना, इंतजाम नहीं है मरा दिया। अब्दुल खादर साहब को लाके यहाँ छोड़ दिए, मखदूम साहब हल्लू सटक गए, फिर घर को आ गए। तीन दिन हो गए, कोई सूफी अब्दुल खादर को कोई नहीं पूछ, और बयान लिखो तेरे मखदूम मर गया था क्या, उसको आगे की लाके छोड़ दिया था। अरे तीन दिन हो रहे रे, उन्हें खाया पिया कुछ है तेरे को खबर है, जा लेके आ जाओ स्कूल, लेके आए पकड़ के। खैर ला लिए, लाने के बाद में रोजा रहते गए, बीच से भी ठोकते रहते रोजे आप सरकार। लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान में इतनी इज्जत मिली है सरकार की तवज्जो से, जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में हम लोग वहाँ थे, जुल्फकार अली भुट्टो अब्दुल खादर के साहब के घर पे आया करता था बेनजीर को साथ में लेके, ये है हमारे शेख का तसव्वुर। तो अब्दुल खादर साहब अब किस्सा ही उनका सुन लो, रात देर हो जान दो, नाक में रस्सी, अपने को क्या करना है। बात तो खत्म करना पड़ेगा। फिर जब ये पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान बन गया, जाने लगे
अब्दुल कादर साहब उनकी वालिदा को बीवी को बच्चे को लेके अजमेर शरीफ चले गए। हजरत क़िबला अजमेर शरीफ रेगुलर जाते थे, अजमेर में जाके उनसे मुलाकात की और बयान मौजूद थे। बोले हजरत हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। बयान बोले ठीक है, देखो वहां गए तो नौकरी करे तो फौज में करना, फौज में भी पानी पिलाने की नौकरी करना, दूसरी नहीं। लोग चले गए। वहां जाने के बाद एक तवील दास्तान है, नौकरी तलाश करते रहे। बाद में उनको फौज में नौकरी मिल गई पानी की हिफाजत की। वहां से दूसरा सफर शुरू हुआ और वहीं रहते जहां आप लोग देखते हो उसी जगह पहले जंगल झाड़ियां थी, वहां रियाजत करते थे, मुजाहिदात थे। होते होते सूफी अब्दुल कादर शुरू शुरू का किस्सा और सुना है। जब उम्मीद हुए एक दिन अबजान बोले, फजर से पहले बोले, अरे जा रहे सूफी नमाज पूजा मस्जिद को भेजा करते। अब्दुल कादर साहब बोलते हजरत बोले सूफी बोले मेरे मस्जिद को आया बाद में नमाज के बाद हर आदमी सूफी बोलना शुरू करा। सब लोग सूफी सूफी आज तक सूफी चल रहा, परेशान हो गया। देखो ये सब दास्तान है, समझ रहे हैं, समझो हमसे जो हुआ था हम करे और जो बाकी है कर रहे हैं। इन्हों भी कुछ करना चाहते थे, उनके पास गए, वो सुरूर में वो जगह खरीद करे, मार्किंग करे, जो भी है इन्हों बैठ के एक से दो चक्कर में भी लगाया। समीर जी साहब कुछ बैठे वहाँ गया, उस्मानाबाद के साहब उनके घर पे गया, उनको पिछड़ा। मजीद और भी जो लोग थे, अब यार किसका आया बोल दूंगा नहीं आया नहीं बोलता, मेरे बस के बस में जितना था करते गया। लेकिन वही तरीका जो जो करना है शुरू से सुनते थे, बल में बल ना बल और क्या क्या था आगे, बल में बल अपना बल अपना पुनः सके तो जाने दो। वह कभी सुनते थे काम वैसी करे। आज का दिन बहुत खुशी का दिन, वो दोनों आदमी बच गए थे, उनकी उम्र को आज भेज दिया। लोगों के मार खा के फिर भी फिर सिर पे बाला है, कमाल है मेरे को। तानों के मार, झूठ के मार, केसों के मार, मगर अभी काम जारी है, काम रुका नहीं है। भाई तरबियत दे रहे हैं, कुछ तो आपके सिलेबस होना चाहिए। जिसको कोई खिलाफत दे रहे हैं, अरे मुरीद करना सिखाएगा नहीं सिखाएगा, फिर उन्हें कैसा करेगा आएगा। मुरीद करने का तरीका सिखाना पड़ेगा ना, मुरीद के बाद मुरीद को क्या सिखाना, पहले वो भी इसको सिखाना, तो उन्हें उसको सिखाता। सब लोग दे रहे से दे रहे हैं, दे रहे से दे रहे हैं। मैं भी देखो इसकी इम्तिहान नहीं है, ये किस्सा
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी खिदमत को, आपकी हमारी खिदमत को कबूल फरमाए। हम अब हमारी हैसियत से लेना बंद कर, जो कुछ लेना बंद कर।